मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेक्चर नेम्ड एज लेक्चर नंबर 11 एंड वी विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स यू नो द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे आप किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर से कराना बताया कि दैट मार्जिनल कॉस्ट इज देयर, एडिशनल कॉस्ट इज देयर, डिफरेंशियल कॉस्ट इज देयर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज देयर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज देयर। मैंने अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को बताया। बेटे ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बातें ज़्यादा लॉजिकली समझ ना आई हों, बट द पॉइंट इज अगर आप बार बार उन लेक्चर्स को देखेंगे यू विल सी दैट एग्जाम्पल्स यू नो आई हैव रिलेटेड ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कि आपको लॉजिकली वो बातें समझ आ जाएँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 100% दूँ, बस आप कमर सीधी करके बैठेंगे, रजिस्टर ओपन करें और लिखें लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 कोट ऑफ द डे। बड़ा प्यारा सा कोट लिखा है जी मैंने आज तो, दोज हु विश टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग। जो सच में गाना गाना चाहते हैं उनको सच में गाना मिल ही जाता है यार। दोज हु वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स इफ यू हैव अ इंटेंट टू डू समथिंग यू कैन डू इट। It is the main intention. Otherwise, आप reasons ढूंढेंगे, ये हो गया इसलिए ऐसे नहीं किया, ये हो गया इसलिए ऐसे नहीं हो। बेटे जो सच में करना चाहते हैं वो unreasonable होते हैं। मैं चाहता हूँ that you should be unreasonable in your life. इस बढ़िया सी बात के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से बैठकर इस पोज में बैठकर विद्या का अध्ययन करें। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति लक्ष्मी, लक्ष्मी ददाति पात्रम, पात्रम ददाति, सब कुछ मिल जाता है यार विद्या के धन से। Let's start with the journey. I think I have already told you that there are 6 types of classifications. Classification on the basis of traceability. We have seen that direct material, direct indirect material, direct labor, indirect labor, and the classification on the basis of time. We have seen that historical cost and future cost, budgeted cost, standard cost. उसके बाद हमने किया था classification on the basis of behavior. Very important for your examination. Fixed cost, semi-variable cost, variable cost, semi-fixed cost. मैंने इसको बड़े सारे अच्छे अच्छे example से बताया. And then I did about classification on the basis of functions. मैं आजकल जो करा रहा हूँ उसका नाम है management. That is classification of cost on the basis of management decision making. जो एक management accountant को, जो एक finance manager को, जो एक cost accountant को उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है। आई हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। मैंने ऑलरेडी बड़ी सारी क्लासिफिकेशंस बता दी हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 11 में मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट शट डाउन कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। बट बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो मैं आज बता रहा हूं एंड स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड सिनेरियो, तो आपको ज़्यादा लॉजिकली ये बातें समझ आएंगी जो मैं कहना चाहता हूँ। बिकॉज एज अ डिसीजन मेकर कई बार ऐसा भी होगा आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, दैट इज़ नॉट डूइंग गुड, दैट इज रनिंग इन द लॉसेस ड्यू टू सो मेनी रीजन्स। देयर कैन बी सो मेनी रीजन्स, लैक ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट, बड़े सारे कारण हो सकते हैं। मैं अभी रीजन्स में नहीं जा रहा कि आपकी प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी या आपका मार्केट शेयर या आपको लॉसेज इनकर होने स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज GDP गिर गया। बट कोविड सिनेरियो को अगर आप देखें, 2019 मार्च में जब ये कोविड आया, चाइना से आया और पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट हो गया, यू नो इट स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग। बट आपको मालूम है लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों को घर बिठा दिया गया, GDP डिक्रीज हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो गया। बेटे कहीं पे कुछ सेल नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने क्लोज ही कर दिया बेटे, अपना धंधा पानी बंद ही कर दिया। उसमें से कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने क्लोज तो नहीं किया बट उन्होंने शट डाउन कर दिया। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको ये डिफरेंस बताना चाहता हूं दैट, और आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शट डाउन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट क्लोजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संक कॉस्ट एंड वेदर दे आर रिलेटेड विद द डिसीजन मेकर। जब एक डिसीजन मेकर डिसाइड कर रहा है तो क्या उसको ये सारी कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहिए? रजिस्टर ओपन करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। मैं आज आपके सामने कोविड सिनेरियो को लेकर आ रहा हूँ। याद कीजिए बेटे, कोविड अभी भी, आज भी अगर हम पोस्ट कोविड सिनेरियो में देखें तो मार्केट पूरी रिवाइव नहीं हुई, मार्केट अभी स्टेजेस ऑफ रिवाइवल में है। बट अगर आप
कोविड सिनेरियो को देखें, बार बार लॉकडाउन लगना, बार बार क्लोजर होना, बार बार सब कुछ धंधा पानी बंद होना, जीडीपी डिक्रीज होना, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम, लोगों को खाना तक नहीं मिला। बेटे आप ये बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है आपके सामने, उसने इतने सारे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, एक स्मॉल एंटिटी मान लेते हैं, दे हैव टू पे रेंट, दे हैव टू पे द सैलरी टू द स्टाफ, दे हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव टू पे द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और अचानक वर्डिक्ट आ गया नरेंद्र मोदी जी का कि क्लोजर हो जाएगा, लॉकडाउन होगा। आप ये बताइए, रेंटल कॉस्ट सेम है, स्टाफ की सैलरी भी बिगिनिंग में आपको देनी पड़ेगी, यू हैव टू पे एटलीस्ट सम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑल्सो, मीटर रेंट तो देना ही पड़ेगा। अब एक एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के फाइनेंस मैनेजर, यू नो, आप एक एंटिटी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपकी मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट आपसे बार बार पूछेगी दैट वेदर वी शुड क्लोज डाउन और वेदर वी शुड शट डाउन। अब क्लोज डाउन में और शट डाउन में डिफरेंस है। क्लोज डाउन का मतलब है परमानेंट आप उस एंटिटी को क्लोज ही कर रहे हैं। आप गूगल में जाकर चेक करें, देर आर सो मेनी एंटिटीज जो बिल्कुल बंद ही हो गई, क्लोज डाउन की बात कर दी। मैं आज इस समय आपको क्लोजर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ शट डाउन, दैट व्हेन आई से शट डाउन इट मीन्स मैंने शटर बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। इट इज अ टेम्परेरी शट डाउन, इट इज नॉट अ परमानेंट शट डाउन। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम नॉर्मल सिनेरियो में अपना काम कर रहे होते हैं तो वी हैव टू इनकर ह्यूज कॉस्ट, कई बार वी हैव टू इनकर रेंट, वी हैव टू इनकर इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू इनकर एम्प्लॉय सैलरी, वी हैव टू इनकर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वी हैव टू इनकर वाटर एक्सपेंसेस। बट इफ आई कंपेयर इट विद शट डाउन, अगर मैं इफ आई एम नॉट कॉन्टिन्यूइंग इट बट इफ आई एम शटिंग इट डाउन फॉर सम पीरियड, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ कॉस्ट को मिनिमाइज करूं, बट स्टिल इन शट डाउन ऑल्सो यू हैव टू इनकर द कॉस्ट। सो एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड यू हैव टू गिव टू योर मैनेजमेंट। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये कंपनी, अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को शट डाउन कर देते हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट विच वी हैव टू स्टिल पे, बिकॉज माई कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। भाई सैलरी तो है, कुछ कम ही करोगे ना, 100% तो जीरो नहीं कर सकते। रेंट वाले को, लैंडलॉर्ड को आप कहेंगे कि चलो थोड़ा सा कोविड सिनेरियो है या मार्केट हम शट डाउन कर रहे हैं तो कुछ रेंट कम कर दीजिए, बट स्टिल यू हैव टू पे समथिंग। आप ये बताइए, कोचिंग क्लासेस में अगर, बिकॉज आई एम फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री एंड द कोविड सिनेरियो इज देयर, तो कोचिंग क्लासेस में आना लोगों का बंद हो गया, बच्चों का बंद हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब अब कोचिंग क्लासेस में मैंने, सपोज करते हैं, आई हैव टेकन अ रेंट, आई हैव टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस ऑन अ रेंटल बेसिस इन अ वेरी प्राइम एरिया, एक बड़े प्राइम एरिया में मैंने रेंटल स्पेस लिया हुआ है। अब अगर मैं शट डाउन करता हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं अब वो रेंट नहीं दूंगा बिकॉज मैं शट डाउन कर रहा हूं, कुछ महीनों के बाद हम कहीं दूसरी जगह स्टार्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। शट डाउन का मतलब है कि मैं टेम्परेरी रीजन से, फॉर टेम्परेरी ब्रेकडाउन और फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड, आई एम नॉट वर्किंग इन अ नॉर्मल कंडीशन, तो मैं क्या करूँगा, उस रेंटल स्पेस को मैं सरेंडर कर सकता हूँ, एज्यूम कर रहे हैं, इफ देर इज नो लॉक इन पीरियड, एंड आई कैन रिड्यूस माई स्टाफ, आई कैन रिड्यूस माई मार्केटिंग स्टाफ, आई कैन रिड्यूस माई क्लास फॉर इम्प्लॉयज, मैं सबका कुछ ना कुछ कॉस्ट तो कम कर ही सकता हूँ। तो मुझे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर मैं शट डाउन करता हूं तो हाउ मच कॉस्ट स्टिल माय एंटिटी हैज टू इनकर, बिकॉज ऑन दैट कॉस्ट वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर वी शुड शट डाउन इट और नॉट। इट मींस वी हैव टू डिसाइड कि हम कंटिन्यू रखें या शट डाउन कर दें। तो आपको कॉन्टिन्यूअल कॉस्ट तो पता ही है बिकॉज आप कॉन्टिन्यू तो कर ही रहे थे, बट शट डाउन करेंगे तो फिर भी कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड दैट इज नेम्ड एज शट डाउन। और बेटे इसमें बड़े सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया, जैसे मैंने एक झोपड़ी सी बनाई, बेटे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, लेट इट बी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड लेट इट बी किंगफिशर एयरलाइंस, या उससे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लिखें कोविड सिनेरियो, किंगफिशर तो रब ही कर दें। बेटे विजय माल्या की तो ऐसी की तैसी, वो तो लंदन ही भाग गया। बेटे छोड़ो ना इसको, छोड़ो बेटे, मैं भूपेश आनंद कोविड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप सब अभी अभी कोविड सिनेरियो से निकल के बाहर आए हैं, तो आई थिंक यू विल बेटर अप्रिशिएट दिस पोजीशन विच आई वांट टू से यू दैट इफ इट इज इन कोविड सिनेरियो व्हाट विल हैपन, यू गेटिंग अ पॉइंट। तो आप और एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट शट डाउन कॉस्ट, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट इट बी अ कोचिंग क्लास एंड लेट दैट कोचिंग क्लास बी इज रनिंग ऑन अ रेंटल स्पेस, तो रेंट इतना पे कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी इतनी पे कर रहे हैं, वाटर इतना पे कर रहे हैं, स्टाफ इतना पे कर रहे हैं, इफ आई कंटिन्यू एंड इफ आई शट डाउन, अगर मैं कुछ पीरियड के लिए अपनी एक्टिविटीज को शट डाउन कर देता हूं, स्टिल आई हैव टू पे समथिंग। एंड समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको जब यहां पर आपने स्पेस को सरेंडर कर दिया तो 3 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से आप कोचिंग क्लासेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, इट मे बी पॉसिबल कि आपको वो वाली जगह जहां पे आप पहले अपना रन अपना शो रन करते थे, दैट स्पेस इज नॉट अवेलेबल और यू हैव टू पे अगेन अ ब्रोकरेज कॉस्ट। इट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ द मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज अ एडिशनल कॉस्ट विच वी हैव टू इनकर इफ वी अगेन वॉन्ट टू स्टार्ट अ शो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिखेंगे बेटा, शट डाउन कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। पहली बात, इस बात को माइंड में क्लियर कर लें दैट शट डाउन कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। बेटा जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है जी, बट कैन बी मिनिमाइज एज कंपेयर टू द मेंटेनिंग द करंट पोजिशन। इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, इफ आई एम इन द करंट पोजिशन, आई एम इनकरिंग एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स एंड इफ आई शट डाउन आई स्टिल हैव टू इनकर सम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, दैट इज एक्स माइनस समथिंग डॉलर्स, यू नो। इसका मतलब अगर मैं पहले 1 लाख रुपए की पेमेंट करता हूँ, मान लेते हैं कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरा मिनिमम एक्सपेंस कंटिन्यू करने का 1 लाख है, शट डाउन करेंगे तो 1 लाख तो नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, हाँ 1 लाख से कुछ कम हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कितना कम होगा। नोट नंबर वन, नोट नंबर टू में आ गए जी, शट डाउन कॉस्ट विल ऑलवेज इंक्लूड, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जब मैं शट डाउन कर दूंगा और सपोज करते हैं वो रेंटल स्पेस मैंने सरेंडर कर दिया लैंडलॉर्ड को, तो अब जब दोबारा से खोलूंगा अपना धंधा पानी शुरू करूंगा तो मुझे एक नई स्पेस चाहिए, नए ब्रोकर की कॉस्ट होगी, मुझे दोबारा से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, सो दैट कॉस्ट हैज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड while calculating shutdown cost. तो आप लिखेंगे note number 2, shutdown cost will also include broker's cost, same location and loss of brand value. Loss of brand value. I think आप बात को समझ पा रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूँ कि as a decision maker, as a finance manager, as a management accountant, as a cost accountant, you have to compare shutdown cost with कॉन्टिन्यूइंग कॉस्ट। आपको दोनों को कंपेयर करना है। अब शटडाउन में सब चीजें आ गई, आई थिंक आप समझ गए, एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर यू शुड गो फॉर शटडाउन और नॉट। इट मीन्स हेयर आई एम क्लासिफाइंग द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स दीज कॉस्ट विल हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। शटडाउन की बात तो आप सबको समझा दी बेटे। मैं आ गया आज से, जो मैं कॉस्ट अब बताने जा रहा हूं ये सबसे प्रीशियस और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है संक डूबी हुई, जो डूब गई। बेटे टाइटैनिक शिप का आप सबने नाम सुना होगा, मैं अभी इमेज दिखाऊंगा टाइटैनिक शिप की। एक ऐसी शिप जो सर्दियों की रात में बेटे किस तरह से सब लोग मर गए, एक मूवी बनी है टाइटैनिक, अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। बेटे मैं क्या बताऊं, मेरे से क्या पूछोगे, मैं बस मेरी तो आंखें नम हो जाती हैं जब मैं टाइटैनिक शिप की बात कर रहा हूं। बेटे ये देखो ये इमेज कैसे डूब रही है वो टाइटैनिक शिप। कितने लोग यूरोपियंस अमेरिकन्स बेटे मर गए उस दिन। आप प्लीज ये मूवी जरूर देखें बेटे, बड़ी ही अच्छी लगेगी आपको ये मूवी जब आप मूवी देखेंगे। टाइटैनिक शिप में अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइटैनिक शिप की बात की होगी। बेटे आप ये बताइए, मैं भी बात कर रहा हूँ संक की। संक का मतलब है डूब गई, शिप डूब गई। तो आपको ये देखना है कि संक कॉस्ट का मीनिंग है क्या। मैं आज अभी इस समय आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आई मीन बाय संक कॉस्ट एंड देन वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डिसीजन मेकर। क्या आपको संक कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहिए जब आप कोई नई डिसीजन ले रहे हैं। मैंने कहा संक का मतलब है जो भूतकाल में हो चुकी, जो पास्ट टेंस में आपने इनकर कर दी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए पहले ऐसा करते हैं, कुछ बेटा लिख लेते हैं, फिर हम मैं इसको बड़े प्यार से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सही बता रहा हूँ, आप अगर लिखोगे ना तो सच में कह रहा हूँ आपको ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। शट डाउन कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, संक कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो संक में लिख रहे हैं जी फर्स्ट पार्ट टाइटैनिक शिप लिख रहे हैं। ये मूवी आपने देखनी, बिल्कुल देखेंगे सर। ए पॉइंट लिख रहे हैं संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये जो संक कॉस्ट होती है ना, इसको हम बोलते हैं इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, जो पास्ट टेंस में हो चुकी, जो भूतकाल में हो चुकी, जो आपने ऑलरेडी इनकर कर दी, अब उसका
इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पेड एग्जामिनेशन फीस फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम. Now, whether you give exam or not, it hardly matters now. The decision to give examination in COVID scenario or not to give it in COVID scenario, बेटे ये जो examination fees है, ये ना तो आपको वापस मिलेगी, इसका refund नहीं मिलेगा. इसका मतलब जो examination fees आपने pay की, that is sunk cost. जो आपने दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये point लिखकर आप पहले, बड़ा important बेटे, एक-एक point को मैं समझाऊँगा. Sunk cost में मैंने तीन alphabets लिखे हैं, A, बी सी. ए में लिखा है मैंने संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. फिर मैंने लिखा, अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटे, अभी एक मूड बिल्कुल खराब नहीं करना है, आपने कमर सीधी करके बैठो यार. संक कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क बट दैट वर्क कुड नॉट बी अचीव्ड. इसका मतलब संक कॉस्ट वो वाली कॉस्ट भी होती है, पता है आपको, वो वाली कॉस्ट भी होती है जो आपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए खर्च की थी बट वो पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ. अभी देखेंगे. संक कॉस्ट इज ऑल्सो अ फ्यूचर कॉस्ट ऑब्लिगेशन विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड. इसका मतलब संक कॉस्ट वो भविष्य की कॉस्ट भी है जिसकी लायबिलिटी आज ही हमने डिसाइड कर दी है. डिस्कस करेंगे बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा. आप बस 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना. आप पहले लिख लो बेटे, सच में कह रहा हूं, आप नहीं लिखोगे ना मैं थप्पड़ मार दूंगा, सच में कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्या आप सभी ने ए पॉइंट लिख लिया? मुझे मालूम है कि आप समझदार बच्चे हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले बच्चे हो, ए पॉइंट लिख रहे हो. हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. फिर आप लिख रहे हैं संक कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क. आपने इनकर्ड कर दी, खर्च कर दी, किसके लिए? फॉर द वर्क बट दैट वर्क कुड नॉट बी अचीव्ड. मगर वो काम अचीव नहीं हो पाया. देखते हैं अभी दूसरा तीसरा. संक कॉस्ट इज फ्यूचर कॉस्ट. संक कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो फ्यूचर में आपने इनकर करनी है, जिसकी ऑब्लिगेशन आज ही आपके सामने है. इट मीन्स फ्यूचर कॉस्ट द ऑब्लिगेशन विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड. आइए दोस्त, आइए बड़े प्यार से ध्यान से सुनना. मैं ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा आफ्टर कोविड सिनेरियो कि आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी और आप एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग यू कैन से दैट संक कॉस्ट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब आप संक कॉस्ट को कभी भी कंसिडर नहीं करोगे जब आपको डिसीजन लेनी है. तो मैं लिख रहा हूं जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन. मान लेते हैं आपको पता ही है, कोविड के बाद जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, डॉक्टर रेडी, सिप्ला, अलग अलग कंपनीज, फाइजर, दे हैव स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बड़े सारे साइंटिस्ट लगे, बड़े सारे वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, बड़ा सारा मटेरियल खर्च हुआ, अपरेटस खर्च हुआ. उसके बाद उन्होंने एक वैक्सीन को ढूंढा, एज्यूम कर रहे हैं कोविड शील्ड या कोवैक्सीन, कुछ भी. अच्छा, आप कोविड शील्ड आगे प्रोड्यूस करें या ना करें, इसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी साइंटिस्ट के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, लेबोरेटरी में जो खर्च हो चुका बेटे, वो क्या वापस आ जाएगा? आप वेदर यू टेक अ डिसीजन टू प्रोड्यूस कोविड शील्ड और वेदर यू टेक अ डिसीजन नॉट टू प्रोड्यूस कोविड शील्ड, दैट वेदर दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑन फाइंडिंग आउट, ऑन एनालाइजिंग, ऑन यू नो डेवलपिंग, ऑन रिसर्चिंग दैट वैक्सीन फॉर कोविड-19, क्या वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या जो भी अमाउंट आपने R&D में खर्च किया बेटे, वो वापस आने वाला नहीं है. आप चाहे कोविड शील्ड को बनाए या ना बनाए. तो मैं ये कहूंगा फॉर टेकिंग अ डिसीजन, मान लेते हैं कोविड शील्ड को बनाते हैं, तो मैंने लिखा कि लेट इट बी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 लाख की आ जाएगी, और मान लेते हैं प्रोडक्शन और सेल्स है 10 लाख रुपए की, एज्यूम कर रहा हूं, और 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज आई हैव इनकर्ड ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड शील्ड वैक्सीन. एक बच्चा लिख ही नहीं रहा. आई रिपीट दैट यू हैव ऑलरेडी डन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 लाख ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट वेदर यू शुड प्रोड्यूस दैट वैक्सीन और नॉट. And the production cost of that vaccine is 8 lakhs and let the sale price be 10 lakhs. It means you are having a profit of 2 lakhs.
बट मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या सच में प्रॉफिट 2 लाख का है या लॉस लॉस 8 लाख का है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको पता नहीं चला 8 लाख का लॉस कहां से आ गया। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो 10 लाख का खर्चा हुआ वो भी तो कॉस्ट है आपकी। आप मैनेजमेंट डिसीजन है, आप यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव ऑलरेडी इनकर 10 लाख रुपीज। बट माई डियर फ्रेंड्स, दैट 10 लाख रुपीज इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, वो पहले से ही खर्च हो चुकी है। पता है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जैसे मैंने कहा संक कॉस्ट में 3 कॉस्ट आएंगी, एक कॉस्ट का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये देखिए संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई थिंक ये बात आप सबको लॉजिकली समझ आ चुकी है। सेकंड इज संक कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क बट दैट वर्क कुड नॉट बी अचीव्ड। अब इसका एग्जाम्पल सुनते हैं। अच्छा एक बात ये देख लीजिए, मैं कहता हूं कि आप स्टिल 2 लाख रुपए का तो प्रॉफिट फिर भी कमा रहे हैं अगर आप 8 लाख को और 10 लाख को देखें। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट 10 लाख इज संक कॉस्ट एंड संक कॉस्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। सेकंड पॉइंट में आ गया जी। सेकंड पॉइंट में सेकंड क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। संक कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क बट दैट वर्क कुड नॉट बी अचीव्ड। अब इस बात को समझने के लिए ध्यान से एक सिनेरियो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं बेटा। वो एग्जाम्पल ये है कि एक आपके पास कस्टमर आया एंड यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और उस कस्टमर ने कहा कि आप ये स्पेसिफिक जॉब मेरे लिए करके दो, आई प्लीज प्रिपेयर प्लीज प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर मी एज पर द स्पेसिफिक डिजाइन। उसने हमें एक डिजाइन दिया, उसने कहा ये डिजाइन के प्रोडक्ट मुझे बना दो, मैं इतने पैसे दूंगा। बट द कंडीशन इज दैट दिस प्रोडक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड अप टू दिस मच सिनेरियो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसने एक टाइम लिमिट दे दी कस्टमर ने कि आपको ये प्रोडक्ट इस दिन तक बनाकर मुझे डिलीवर करना ही पड़ेगा, अगर आप इस दिन तक डिलीवर नहीं करते तो मैं ये प्रोडक्ट आपसे नहीं लूंगा एंड आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। तो इट मीन्स जो भी आपका खर्च हुआ वो आपका होगा, मेरे को मत कहना। बेटे कहानी स्टार्ट हुई, कहानी किस्मत की स्टार्ट हुई। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, कस्टमर ने भी एग्रीमेंट साइन कर दिया और कहानी स्टार्ट होते होते क्या हुआ कि एक कस्टमर था, उसने सेलिंग प्राइस बेटे उस एग्रीमेंट में तय हुआ कि 20 लाख रुपए ये कस्टमर देगा इफ दिस वर्क इज कंप्लीटेड विद इन दैट टाइम लिमिट। अच्छा जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी उसने दे हैव डिसाइडेड कि भाई कितने पैसे लग जाएंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगेगी वो 14 लाख रुपीज की लगेगी। सेलिंग प्राइस 20 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट विद हेल्प ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट विद हेल्प ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और उनको लगा भाई 14 लाख तो लग ही जाएंगे। अच्छा उस काम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया और 13 लाख लग भी गए। बट ड्यू टू सो मैनी सिचुएशंस यू नो ड्यू टू सो मैनी रीजन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कुड नॉट एबल टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट टू दिस स्पेसिफाइड कस्टमर एंड एज पर द एग्रीमेंट दिस कस्टमर इज नॉट लायबल टू बाय दैट। और हुआ भी यही, वो कस्टमर भाग गया होगा था मैं नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि आपसे बात हुई थी कि आप मुझे इस दिन तक दे दोगे, आपने नहीं दिया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटे 13 लाख रुपए तो ऑलरेडी इस एंटिटी के खर्च हो गए हैं एंड द प्रोडक्ट इज ऑफ अ स्पेसिफिक डिजाइन। इतना मूड खराब हुआ मैं क्या बताऊं मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का, क्योंकि 13 लाख रुपए तो डूब गए यार, क्योंकि दैट प्रोडक्ट इज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी वो बैठे हुए थे कि एक नया कस्टमर आया, उसने कहा टक टक टक, आपने कहा कौन हो, वो कहता आई एम ए न्यू कस्टमर, कैन यू गिव मी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड आई विल गिव यू 2 लाख रुपीज। मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही सवाल कर रहा हूं, 20 लाख एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस था, 14 लाख की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, 13 लाख रुपए खर्च हो चुके और वो ऑर्डर फोरफिट हो गया, एक नया कस्टमर आया, भगवान ने भेज दिया एक नया कस्टमर और वो नया कस्टमर कहता है कि क्या आप मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दोगे, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आई विल गिव यू 2 लाख रुपीज बट यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जो 1 लाख की कॉस्ट है वो इनकर करो, इसको फिनिश करो और मुझे 2 लाख रुपए में दे दो। अब सवाल आता है कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वेदर यू विल एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ दैट न्यू कस्टमर और नॉट।
एक बच्चा कहता है बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा क्योंकि उसको नींद आ रही है, क्यों नहीं करेंगे? बेटे आप ये बताओ, नया कस्टमर, वो जो मैंने सामान बनाया वो स्पेसिफिक डिजाइन का बनाया, 13 लाख रुपए मेरे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं जो वापस नहीं मिलेंगे, और उस प्रोडक्ट को और कोई खरीदने वाला भी नहीं है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि वो नए कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचूं या ना बेचूं। बेटे बिल्कुल बेचना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 लाख खर्च करके 2 लाख आ रहे हैं, स्टिल 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आपके माइंड में आया कि 13 लाख तो पहले भी खर्च कर चुके हैं, बेटे 13 लाख इज संक कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क, बट दैट वर्क हैज नॉट बीन येट अकम्प्लिश्ड। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संक कॉस्ट में 3 बातें आएंगी बेटे। संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क बट दैट वर्क कुड नॉट बीन अचीव्ड। यार कोई चीज कर रहे हैं तो लॉजिकली कंसेप्चुअली कंसेप्ट समझ आना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ए टू जेड रियल लाइफ एग्जाम्पल से सब चीजें क्लियर करूं। लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, संक कॉस्ट इज ऑल्सो दैट फ्यूचर कॉस्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। मैं आपसे बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटे। मैं वैसे तो मेरी ओन स्पेस है, मैं सपोज करता हूँ कि रेंट में कोई जगह लेता हूँ, आई वॉन्ट टू रन अ कोचिंग क्लास आफ्टर कोविड सिनेरियो। मुझे लगा कि ऑफलाइन बच्चे अब आना चाहते हैं, ऑनलाइन बैठ बैठ के पागल हो गए, वो बाहर निकलना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट विद ऑफलाइन। तो मैंने कहा ठीक है हम ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं। मैंने उसको माइंड में रखते हुए रेंट एग्रीमेंट एक लैंडलॉर्ड से किया और उसमें लॉक इन पीरियड था 1 ईयर का, 5 साल का रेंट एग्रीमेंट था, 1 साल का लॉक इन पीरियड था। आपको पता है लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड का मतलब है कि आप 1 साल से पहले उस जगह को छोड़ नहीं सकते। मैंने अभी किराया पे नहीं किया, लेट द रेंट बी 50,000 rupees पर मंथ जो मुझे हर महीने के फर्स्ट वीक में देना है, दिया नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर कॉस्ट तो है बट उसकी ऑब्लिगेशन मैंने आज ही क्रिएट कर ली। जैसे ही मैंने जगह ली, कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो जगह कोचिंग क्लासेस के लिए सफिशिएंट प्रॉपर नहीं है, वहां पे स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकते, आएंगे ही नहीं। मैंने जब एनालिसिस किया बट मुझे लगा यार मैंने तो पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसमें लॉक इन पीरियड 1 साल का है। अच्छा जब उसमें लॉक इन पीरियड है, नो डाउट आई हैव टू इनकर द फ्यूचर कॉस्ट बट दैट है द ऑब्लिगेशन हैज क्रिएटेड नाउ। सो दैट 50,000 rupees विच आई विल बी पेइंग इन फ्यूचर अगेन इज अ संक कॉस्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा लिख लें, लॉजिकली समझ आएगा यार, सीधा हो गए बैठे यार, प्लीज प्लीज यार। रेंट एग्रीमेंट विद लॉक इन पीरियड, कोविड डिजास्टर हैपन्स और प्लेस इज नॉट गुड फॉर रनिंग कोचिंग क्लासेस, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, एनी रीजन। मैंने वो जगह ले ली, वो कपड़ा ले लिया, वो सब कुछ खरीद लिया बट उसके बाद मुझे लगा यार ये मेरे लिए प्रॉपर नहीं है। तो मैं ये कहता हूं इट इज नेम्ड एज संक कॉस्ट। एक बात मैं आप सबको कह दूं, संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज नॉट टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन डिसीजन मेकिंग। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज इररेलेवेंट कॉस्ट एंड व्हाट इज, नाउ आई हैव टोल्ड यू संक कॉस्ट। मैं अभी आने वाले 2 मिनट आपको रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट का डिफरेंस बताऊंगा एक छोटे से एग्जांपल से। मान लेते हैं आप 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट ए एंड एक प्रोडक्ट नंबर बी, यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अगर आप खाली प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो आपकी कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, अगर आप जस्ट प्रोडक्ट नंबर बी बनाएंगे तो आपकी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी, और अगर आप ए बी में से कुछ भी नहीं बनाएंगे तो आपकी कुछ कॉस्ट लग भी सकती है नहीं भी लग सकती। उसी से आपको डिटरमाइन करना है दैट वेदर दिस कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट और वेदर इट इज इररेलेवेंट कॉस्ट और वेदर इट इज संक कॉस्ट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं बेटे। बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, मास्टरपीस एग्जाम्पल है। रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट को लास्ट टाटा बायबैक करने का एग्जाम्पल। मैंने कहा यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अगर आप ए बनाते हैं तो 10,000 rupees का एक्सपेंस आएगा, बी बनाते हैं तो 8,000 का आएगा, ए और बी दोनों में से कुछ भी नहीं बनाते तो कोई खर्च नहीं होगा। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए द कॉस्ट विच चेंजेस विद योर डिसीजंस दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो मैं कहूंगा दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट, द कॉस्ट विच चेंजेस with your decision।
आपके डिसीजन से जो कॉस्ट बदल सकती है उसको रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा चलिए दूसरा इसी में ले लेते हैं। प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो 10,000 रुपीज का एक्सपेंस होगा, प्रोडक्ट बी भी बनाएंगे तो 10,000 रुपीज का एक्सपेंस होगा, और ए भी नहीं बनाएंगे और बी भी नहीं बनाएंगे तो कुछ भी खर्च नहीं होगा। इट मीन्स चाहे ए बनाए या बी बनाए कॉस्ट आपकी सेम है। क्या लगता है ये कॉस्ट रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है या संक है? मैं तो ये कहूँगा द कॉस्ट विच चेंजेस विद योर डिसीजन दैट इज रेलेवेंट एंड द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद योर डिसीजन इज इररेलेवेंट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो मैं कहूँगा दिस कॉस्ट इज इररेलेवेंट। बेटा इसीलिए मैंने कहा एग्जाम्पल साथ साथ लिखोगे बातें ज़्यादा लॉजिकली समझ आएंगी। मैं आ गया जी लास्ट एग्जाम्पल में, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट। बेटे इतना डिटेल में कोई नहीं बताता भूपेश आनंद के अलावा। प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा, प्रोडक्ट बी बनाएंगे तो 10,000 का आएगा, ए और बी नहीं भी बनाएंगे तब भी 10,000 रुपीज़ या 100 pounds का एक्सपेंस होगा। तो मैं कहूँगा इन दिस केस दिस कॉस्ट इज संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट। बनाए या ना बनाए खर्च फिर भी आना है, दैट इज संक कॉस्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, संक कॉस्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इवन इररेलेवेंट कॉस्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ओनली द रेलेवेंट कॉस्ट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आई होप आपने पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा। बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, मजा आ जाएगा लेक्चर अटेंड करने के बाद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।